वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टूडेंट चैनल एन पी आर स्टडी अकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 4.3 को करेंगे और सम नंबर फर्स्ट को ट्राई करेंगे। इसमें हमने दो मेथड से सम को करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पहले हमने सीख लिया है कि हमें फैक्टराइजेशन से उसे कैसे सॉल्व कर सकते थे। तभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये फैक्टर बनाने नहीं आते तो आप दो मेथड और हैं जो आप फोर्थ यूनिट में करेंगे, तो उसमें हमने ये अब करने हैं। तो ध्यान से सीखना है स्टूडेंट। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.3 में दो मेथड करने हैं। एक तो कंप्लीट स्केयर मेथड, जिसनों पंजाबी दे विच कहा जाता है पूर्ण वर्ग विधि। सेकंड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक अपने को फॉर्मूला भी होंगे एक इस दे रिजल्ट कढ़न का, पंजाबी दे विच जिन्हों कहा जाता है दो घाती फार्मूला। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੂਟ ਆਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਫ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਬਾਏ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਸਕੇਅਰ। ਇਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੇ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਜੀਏ, ਅਗਰ ਉਸਕੇ ਰੂਟ ਜੋ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਤੇ ਹੈ। तो रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो ये है, इधर लिख रखा है मैंने रूट निकालने का बी स्केयर माइनस फोर ए सी। पंजाबी वाले नूं बोल रहा है समीकरण दे मूल संभव होण तां पूर्ण वर्ग विधि राही पता करना है। जेकर संभव ने, अगर पॉसिबल है, तो ही हमने कंप्लीट स्केयर मैथड मतलब पूर्ण वर्ग विधि राही सम को सॉल्व करना है। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो इसी पर ध्यान देते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये पॉसिबल है रूट या फिर नहीं है कंप्लीट स्केयर के लिए, तो इधर देखिए ये फॉर्मूला है। अगर इस इक्वेशन के बी स्केयर माइनस फोर इस को सॉल्व करने के बाद अगर ये ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, तो उसके जो रूट हैं वो इक्वल रियल रूट होंगे, रियल नंबर के होंगे। मैंने आपको रियल नंबर क्या है वो बता रखे थे। उसके बाद अगर बी स्केयर माइनस फोर ए सी बड़ा आता है ज़ीरो से, तो इसका मतलब है उसके रूट जो है वो रियल तो होंगे प्लस डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। हमें मालूम है कि दो वैल्यू आनी है यहाँ पर एक्स की, क्योंकि एक्स की पावर टू से शुरू हो रही है। तो दो वैल्यू जो आएंगी वो डिफरेंट आएंगे, मतलब दो रूट जिन्हें बोल देंगे हमें वो डिफरेंट आएंगे। अगर बी स्केयर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू आएगी वो छोटी आती है ज़ीरो से, तो इसका मतलब है कि उसके जो रूट आएंगे वो रियल नहीं होंगे, नेगेटिव हो सकते हैं, अंडर रूट के हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लगाकर हमें पहले पता करना होगा कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इन तीनों में से किस में लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व ही कर लेंगे इसे। तो लिखते हैं यहाँ पर ए कितना है हमारे पास, टू है। बी हमारे पास माइनस का सेवन है। सी हमारे पास थ्री है। तो ये फॉर्मूला था बी स्केयर माइनस फोर ए सी, यहाँ पर लिखते हैं बी स्केयर माइनस फोर ए सी। आप नीचे सॉल्व करना है, मैं स्पेस कम होने की वजह से इधर बी स्केयर माइनस सेवन स्केयर माइनस फोर को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ टू, और इसको साथ ही मल्टीप्लाई करना है सी के साथ थ्री। तो क्या आ जाएगा, सेवन स्केयर माइनस सेवन मल्टीप्लाई माइनस सेवन, माइनस माइनस प्लस आएगा 49। सो 49 माइनस, इसे सॉल्व करें, फोर मल्टीप्लाई टू कितना आ जाएगा, एट। एट मल्टीप्लाई थ्री 24। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 24 आ गया। तो अब हम देखिए 49 से 24 निकाल रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 आ रहा है। तो ये जो है वो क्या है, ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो से बड़ा मतलब ये जो है वो कितना है, 25, जो ज़ीरो से क्या है, बड़ा है, ज़ीरो से बड़ा है। तो ये देखिए इसे इसे कर रहा है ना, इससे कर रहा है। तो इसका जो है, इसका जो है वो क्या है, डिफरेंट रियल रूट्स। अगर रूट रियल आते हैं
अगर रूट जो है वो रियल आते हैं, इन दो में ही आते हैं रियल, तो ही हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाना है। अगर ये कंडीशन आ गई तो हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं लगाना, उस सम को वहीं पर छोड़ देने का है। तो अब ये चीज़ आई है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे रूट इज रियल, रियल रूट है ना इसके, डिफरेंट है वो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछा गया, बट हमें यही पूछना है, बताना है अगर रियल है तो ही सॉल्व करना है। तो इसके रूट क्या है, रियल है, तो इसलिए हमें क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड को कैसे लगाना है। ये बहुत से स्टूडेंट को नहीं आता, तो इसे ध्यान से करना है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को दोबारा लिख लूँ, 2x² - 7x + 3 = 0। आपको स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर मेथड का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है a + b की स्क्वायर का, वो इस टाइप का होता है a² + b² + 2ab। आपको ये जो इक्वेशन है, आपको इस इक्वेशन को इस टाइप जैसा बनाना है। जब आप इसे इस तरीके से बनाकर सॉल्व करोगे तो हम कहेंगे कि हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड को यूज़ कर रहे हैं। ये कंप्लीट स्क्वायर है ना, ये जो इक्वेशन है वो कंप्लीट स्क्वायर को बिलोंग कर रही है, तो इसलिए हमें ये जो है इसे भी हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, ऐसे इसको इस फॉर्म में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा होता x + 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर a जो है वो x है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो हमें इसके साथ भी यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप वन करूँगा स्टूडेंट, जो हमारे पास स्टेप फर्स्ट है उसमें क्या करेंगे, इस एक्स स्केयर के साथ जो भी होगा उसे सभी के नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x² - 7x/2 नीचे शिफ्ट कर देंगे सभी के, +3/2 = 0/2। तो ये 0 ही रह जाएगा, तो मैं यहाँ पर नहीं लिखता। ओके, होगी बात क्लियर में, चलो। ये था हमारा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ एक्स वाई कुछ भी नहीं होता, वो उसको आपने इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है। तो ये बन जाएगा x² - 7x/2 = -3/2। ये प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाने का है, माइनस का हो जाने का है। अब बात रहती है सबसे मेन काम की, स्टेप नंबर थर्ड की। स्टूडेंट स्टेप नंबर थर्ड को आपको ध्यान से समझना है। स्टेप नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, जो स्टेप नंबर टू क्या है, ये था हमारा स्टेप नंबर टू, ये इसका यूज ये है, इसको आपको क्या करना है, एक साइड पहले रफ पेज पर आपको इसको डिवाइड कर देना है टू के साथ रफ पेज पे। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देखना मैं कर रहा हूँ, हमारे पास क्या है, ये जो है 7/2, माइनस नहीं लेना ये रुपये, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है टू के साथ। जब आप इसे टू से डिवाइड करेंगे तो ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 7/4, 7/4 बन गया। आपको क्या करना है, इसमें इसके स्क्वायर को एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, ये लिखना है इसके साथ। बात हुई क्लियर में, तो आपको इस वो लिखना है x² - 7x/2 लिख लिया, इसमें आपको एक बार ऐड करना है, ये मतलब ये लिख देना, अब 7/4 स्क्वायर, एक बार माइनस ये 7/4 स्क्वायर = इधर -3/2, तो पड़ा ही है। इतनी बात हुई क्लियर में आपको, ओके। अब देखिए, हमने इसे बनाना था इस फॉर्म में बनाना था a² + b² + 2ab, इसमें बनाना था। तो ये बन रहा है, अगर ये a² ये है हमारा, मान लीजिए a² अब ये है, ठीक है,
बी स्केयर हमारा ये है, बी स्केयर हमारा क्या है, ये हमारा टू ए बी बन रहा है, टू ए बी, बी के साथ यहाँ टू तो आएगा क्योंकि यहाँ फोर है ना, तो टू के साथ टू कट जाएगा तो टू रह जाएगा, तो ये बन गया टू ए बी, माइनस का टू ए बी बनेगा, माइनस का टू ए बी। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए माइनस बी की स्केयर का, यही होता है ना। तो इसका मतलब इस सभी को इसको इसको आप क्या लिख दोगे, ए माइनस ए, ये ए माइनस बी, बी क्या है हमारे पास, ये 7/4 स्केयर इज इक्वल टू, ये तो है ही, एक बार ये भी पढ़ा है स्टूडेंट, ये तो आपके कॉलम कर लिया, पहले मैं ये भी लिख देता हूँ फिर उधर शिफ्ट कर देता हूँ। ये माइनस क्या है, माइनस का 7/4 स्केयर पढ़ा ही है, इज इक्वल टू -3/2। मेन बात इस चीज़ की है जो आपको समझ लगनी चाहिए, दोबारा फिर दस दो, ये हमारा अगर ए है तो ये बी है, तो ये बन गया ए स्केयर प्लस प्लस बी स्केयर, तो -2ab माइनस ये टू टू ए क्या है एक्स, बी बी क्या है ये 7/4, ये काट कर कितना आ रहा है टू, 7/2 नाल एक्स, तो कितना बन रहा है 7x/2 बन रहा है, तो यही लिखें 7x/2। तो ये फार्मूला बना ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये क्या फार्मूला है ए माइनस बी स्केयर का, तो ए हमारे पास एक्स है माइनस ये बी, ये उसके बाद माइनस लिख के ये इज इक्वल टू ये। अब ये जो है जो मैं यहाँ पर करने वाला था इसको मैं दूसरी साइड शिफ्ट करता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू -3/2, ये इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस का 7/4 होल स्केयर, इधर ही पढ़ाई है एक्स माइनस 7/4 स्केयर। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये माना इसकी हम स्केयर करेंगे 7 स्केयर, ये हमारा बन जाएगा 49/4 60 प्लस ये माइनस का 3/2, ये ऐसे कैसे एक्स माइनस 7/4। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एलसीएम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे और जो नीचे है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 × -3 ये बन जाएगा माइनस का 48 प्लस 2 दिस ये बन जाएगा 98/16 × 2 ये हमारे पास बन गया 32। ओके सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम प्लस माइनस माइनस होगा, ये हमारे पास आ गया 50 और माइन ये 32 यहाँ पर। अब हम देख सकते हैं ये कट हो रहे हैं 2 के टेबल पर, ये जा रहा है 25 पर और ये जा रहा है 2 के टेबल पर 16 पर, तो ये जो है वो इसके इक्वल आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, अब हम लिख देंगे एक्स माइनस 7/4 स्केयर इक्वल है 25/16। अब ये जो स्केयर है ये हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो अंडर रूट बन जाता है, आपको मालूम है ना स्केयर दूसरी साइड जाकर अंडर रूट बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू 25/16 अंडर रूट। ये जो है अंडर रूट, ये 25 का भी अलग है 16 का भी अलग है, तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे एक्स माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 25/16। हम मालूम ही है हमें तो अब क्या के 25 का जो अंडर रूट है वो हमारे पास कितना होता है 5 होता है, और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 होता है, तो ये बन गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, वो जो है अंडर रूट जो है उसे सॉल्व करने के बाद ये दोनों प्लस और माइनस के होते हैं, प्लस और माइनस दोनों के होते हैं, तो ये जो है वो हम एक बार प्लस का लिख देंगे, ओके, और इसी को एक बार हम माइनस में लिखेंगे ऐसे,
क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों का है ना, एक बार हम इसे प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस के लिखेंगे इसके इक्वल। तो ये जो माइनस का 7/4 है इसे हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा प्लस का 7/4, ये इधर माइनस का है, दूसरी साइड जाकर ये प्लस का हो जाएगा 7/4। अब हमें सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास एलसीएम होगा, एक्स इज इक्वल टू 5 + 7, दोनों का एक बार 4। वैसे तो एलसीएम जैसे हमने पीछे किया था वैसे भी कर लोगे, आंसर यही आने वाला है। तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, 12/4, काट कर कितना आ रहा है 3। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 3 आ रही है। ओके, उसके बाद इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 7 ओवर दोनों का 4 एक बार 4। सो एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस होगा, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 7 से 5 गया 2/4 आ गया, काटन कितना आ रहा है 1/2। तो एक्स की दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। तो स्टूडेंट सम आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, क्योंकि ये जो मेथड है आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए अगर आप इसको दोबारा देखोगे 2-3 बार तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगा, उसके बाद आपको अच्छे से निकालना। तो बढ़ते हैं अब हम सेकेंड सम के ऊपर। सेकेंड सम का भी हमने वैसे ही काम करना है जो हमने पहले में किया। सबसे पहले तो इनके रूट की नेचर फाइंड आउट करते हैं कि किस नेचर को बिलोंग करते हैं ये। तो वो फॉर्मूला है b² - 4ac। यहाँ पर हमारे पास b जो है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बड़ा हुआ। तो 1² - 4 को मल्टीप्लाई a के साथ मतलब 2 को मल्टीप्लाई c के साथ मतलब माइनस का 4 है जो हमारे पास c है। तो ये कितना बन जाएगा, 1² - 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया -16, माइनस के 16 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ये बन जाएगा -32। माइनस का 32 आएगा, एक माइनस ये पड़ा है तो प्लस का 32 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बना, 1 + 32 मतलब 33, जो है 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है ये क्या आई है, b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आई है। 0 से बड़ी आई है तो मतलब क्या है, रूट जो है वो रियल है, रूट्स आर रियल। ओके, रियल है। तो इसका मतलब हमें इसे कंप्लीट स्केयर मेथड से सॉल्व करना है। तो ये है इक्वेशन, मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, 2x² + x - 4 = 0। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो x के साथ है उसको हमने नीचे शिफ्ट कर देना है, ये बन जाएगा x² + x/2 - 4/2 = 0/2। तो मतलब 0 ही बन जाना है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है, इसे दूसरी साइड शिफ्ट करना है, तो हम कर देते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 वाली साइड ही हमने रखनी होती है, तो हम उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा x² + x/2 = उधर जाकर प्लस का हो गया 4/2, ये बन गया। अब हमने स्टेप नंबर थर्ड को ध्यान से करना होता है, क्या करना होता था सोचना मैडम, हमने क्या करना है, इसको रफ पेज पर 2 के साथ डिवाइड कर देना है, 2 के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पर एक ही है स्टूडेंट, x नहीं गिनना, 1 है, मतलब 1/2 को डिवाइड करना है 2 के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बन गया 1/4, ये बन गया। इसको 2 के साथ डिवाइड करने के बाद इसका स्केयर को एक बार हमने ऐड करना है, एक बार हमने माइनस करना है, किससे, इससे। तो लिखते हैं x² + x/2
उसके बाद प्लस ये 1/4 स्क्वायर माइनस ये 1/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2। ये हो गया। अब हम ध्यान से देखें, अगर हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास ए है और ये हमारा बी है, इनके ऊपर जैसे कि स्केयर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी स्केयर डाला, इसके ऊपर भी स्केयर डाला, अब ये ऑटोमेटिकली 2a भी बनता है। कैसे? 2a, a क्या है x इंटू बी, बी क्या है ये 1/4, ये कट कर कितना आ रहा है 2, मतलब x बाय 2, तो ये वही बन रहा है 2ab, इधर प्लस ये, इधर प्लस ये, बने 2ab। ये फॉर्मूला किसका है? a प्लस बी की स्केयर का। अब यहाँ पर a क्या है? x, मतलब x प्लस बी क्या है? b हमारे पास क्या है? ये 1/4, उसका ये बन रहा है फॉर्मूला स्केयर। ओके, ये इसको सबको तो मैंने ये लिख दिया, ये भी पढ़ा है माइनस का 1/4 स्केयर इज इक्वल टू ये 4/2। इसको मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगा। अब इसको हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/2, ये इधर आकर प्लस का, प्लस 1/4 स्क्वायर, इधर ये बच गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना तो हमारा रोज का ही काम है, तो अब इसमें क्या मंत्र पढ़ना है सर, जल्दी कर देंगे। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है ना कॉमन, तो इसका अलग अलग है, प्लस ये 4/2 इज इक्वल टू ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एलसीएम 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, जो नीचे है उसे आपस में 32, इधर जो है वो ऐसे कैसे। अब इसमें से ऐड कर दीजिए, ये हमारे पास बन जाता है 66/32, इधर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये 2 के टेबल पर जा रहे हैं, ये हमारे पास जा रहा है 33 पर और ये हमारे पास जा रहा है 16 पर। 2 के टेबल पर ये जाता है 33 पर और ये जाता है 16 पर। तो अब देखिए, ये हमारे पास बन गया 33/16। पिछले सम जैसा ये जो स्केयर है दूसरी साइड जाकर इनका क्या बन जाएगा, अंडर रूट अलग अलग। वहाँ पर मैंने एक बार सीधा लिख दिया था, फिर अलग अलग किया, अभी मैं यहाँ पर सीधा ही दोनों का अलग अलग लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 1/4 ओनली। स्केयर को दूसरी साइड जाकर अंडर रूट बना दिया था, ये अंडर रूट दोनों का प्लस और माइनस दोनों का बन रहा है। अब 33 का अंडर रूट तो होता ही नहीं है, इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं अंडर रूट 33। हमें मालूम है कि 16 का अंडर रूट होता है 4, 4 इंटू 4 16, तो ये बन गया 4, प्लस और माइनस दोनों का, ये इधर ऐसे ही x प्लस 1/4। अब इसे एक बार प्लस का लिख देते हैं, एक बार माइनस का। तो कैसे लिखना है अब देख लेना, क्योंकि ये जो इक्वेशन आ रही है वो हमारे पास आ रही है x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, एक बार प्लस की, प्लस का अंडर रूट 33/4, एक बार माइनस की, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 33/4। तो अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है, सॉल्व ऐसे ही जैसे पीछे किया था, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 33/4 माइनस का ये 1/4। यहाँ पर अभी इसे दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा x इज इक्वल टू ये माइनस का अंडर रूट 33/4, ये उधर जाकर माइनस का 1/4।
4। अब एलसीएम करते हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट 33 माइनस 1, दोनों का एक बार 4, ये इधर भी ऐसे x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 33 माइनस 1, नीचे 4, दोनों का 1। तो ये हमारा सम जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब करते हैं सम नंबर थर्ड को। यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि ये रूट जो है वो रियल है या नहीं। तो वो रूट फाइंड आउट करने का फार्मूला बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्केयर क्या है ये, अब ये b है ना, तो ये हमारा क्या है a है और ये हमारा b है, ये हमारा c है। बी स्केयर यानी 4 अंडर रूट 3 की स्केयर, उसके बाद माइनस 4 इंटू a, a क्या है ये 4 इंटू c, c क्या है 3, ये अब इसे सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट देखो इसकी स्केयर कैसे करोगे, ये मैंने पहले भी किया था आपको बताया था, अब फिर बताता हूँ। जब हमारे पास ऐसा होता है कि एक 4 मान लीजिए यही है, इसकी स्केयर ये है, इसका मतलब ये है कि ये 4 की स्केयर अलग लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई डालकर अंडर रूट 3 की स्केयर अलग लिखा है। ये 3 की स्केयर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 की स्केयर करेंगे 4 इंटू 4 16 मल्टीप्लाई 3, ये कितना बनता है 48। इसे ऐसे सॉल्व करना होता है जब एक अंडर रूट वाला होता है और जब कोई एक सिंपल होता है, तो उसकी जब स्केयर होती है तो दोनों का अलग अलग करके सॉल्व होती है। तो ये बन गया 48। इसको जब मैंने सॉल्व किया ये बन गया मेरे पास 48 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48। तो ये मेरे पास कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो मतलब बी स्केयर माइनस 4ac मेरे पास कितना है, 0। अब या जाकर आप चेक कीजिए कि जब हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac 0 के इक्वल आता था तो उसके रूट्स क्या होते थे, इक्वल होते थे और रियल होते थे। तो ये पर लिखेंगे इट इज रियल रूट। अब ये रूट जो है रियल आ चुके हैं, तो इसका मतलब हमें इसे कंप्लीट स्केयर मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीट स्केयर मेथड के लिए एक बार इक्वेशन को मैं फिर लिखता हूँ, 4x स्केयर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में हमें ये जो इसके साथ एक्स स्केयर के साथ हमने नीचे शिफ्ट कर देना सभी के, ये बन गया एक्स स्केयर प्लस 4 अंडर रूट 3x बाय 4, इसके नीचे आ जाने का, प्लस 3 के नीचे भी आ जाने का है, इज इक्वल टू 0 के नीचे भी आ जाएगा। 0 के नीचे जब आएगा तो ये 0 ही हो जाने का है। इतनी बात हुई क्लियर में। उसके बाद स्टेप सेकंड में हमने क्या करना होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट करना है। तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस 4 अंडर रूट 3x बाय 4, ये उधर शिफ्ट करा माइनस का हो गया, माइनस का 3 बाय 4। अब स्टेप नंबर थर्ड उधर करते हैं। अब स्टेप नंबर थर्ड करेंगे। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करना है, मैंने आपको पिछले दो सब में बताया था कि आपको इसका स्केयर करना है, सॉरी 2 से डिवाइड करना है इसे। 2 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, उसका स्केयर करके ऐड करना है और माइनस करना है। कैसे, अब ध्यान से देखना फिर। तो इसको अब थोड़ा सा सिंपल और बना लेते हैं। पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं 4 से 4 कट रहा है, इसे हम काट देते हैं। अब हम इसे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, हमने पीछे भी किया था। 2 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अंडर रूट 3 बाय 2, डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसके स्केयर को एक बार हमने ऐड करना है, एक बार हमने माइनस करना है, यही किया ना हमने। तो फिर करते हैं इसी में, एक्स स्केयर प्लस अंडर रूट 3x, उसके बाद ऐड करने हैं, ऐड पहले अंडर रूट
थ्री बाय टू स्केयर, एक बार माइनस भी, माइनस अंडर रूट थ्री बाय टू स्केयर इज इक्वल टू, इधर माइनस का थ्री बाय फोर तो है ही है, माइनस का थ्री बाय फोर। अब ये अगर हम ए मान लेते हैं, ये हम बी मान लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, ए स्केयर बी स्केयर, क्योंकि स्केयर है इनके ऊपर, प्लस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है। ये हमारा क्या बन रहा है, टू ए बी बन रहा है, टू ए, ए क्या है हमारी एक्स इंटू बी, बी क्या है ये अंडर रूट थ्री बाय टू, ये टू से टू कट गया, क्या बन रहा है अंडर रूट थ्री एक्स, तो यही बन रहा है अंडर रूट थ्री एक्स, तो ये बन रहा है हमारा टू ए बी। और ये जो चीज़ है, ये फार्मूला किस चीज़ का है, ए प्लस बी की स्केयर का, हो गया क्लियर स्टूडेंट आपको। अब हम इन सभी को, ये जो है इस सभी को इस फॉर्म में लिख देंगे, ए हमारे पास क्या है एक्स, एक्स प्लस बी हमारे क्या पास क्या है अंडर रूट थ्री बाय टू स्केयर डालना है, ऊपर हमने स्केयर डाल दिया। उसके बाद ये अभी पड़ा है हमारे पास, क्योंकि अभी तक कितना लिखना है, माइनस का अंडर रूट थ्री बाय टू की स्केयर है इज इक्वल टू, इधर माइनस का थ्री बाय फोर हमारे पास तो है ही ऑलरेडी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे पहले, तो ये जो है वो हमारे पास प्लस का हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको पहले भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे टू से अंडर रूट काट सकते हो ऐसा करके। तो पहले हमने क्या किया है, इसको दूसरी साइड शिफ्टल करके ही सॉल्व किया है, तो अभी भी हम ऐसे करेंगे। तो ये पहले ऐसे कैसे, एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाय टू होल स्केयर इज इक्वल टू ये माइनस का थ्री बाय फोर, ये जो है माइनस का है इधर आकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का स्केयर है ना, देखो दोनों का होता है, मैंने पहले भी बताया था, अंडर रूट थ्री का अलग डाल देंगे, टू का अलग डाल देंगे, क्योंकि दोनों का डाला ना उन्होंने, तो अंडर रूट थ्री का अलग डाल देते हैं, जो नीचे है उसका अलग डाल देते हैं। इसका स्केयर से अंडर रूट कट रहा है, ये फोर बन रहा है, फोर बन रहा है, तो मतलब क्या बन रहा है, माइनस का थ्री बाय फोर प्लस थ्री बाय ये टू का स्केयर किया फोर, इधर तो हमारे पास है ही एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाय टू का होल स्केयर। इतना हुआ क्लियर आपको। अब हमें यहाँ पर एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम आपको बताया ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे आपस में मल्टीप्लाई, और अगर नीचे दो सेम हो तो हम कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, दोनों का फोर एक बार, माइनस का थ्री प्लस का थ्री, तो ये ज़ीरो बन रहा है, मतलब ये क्या बन रहा है ज़ीरो बाय फोर। ये स्टेप यहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक बार, एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाय टू होल स्केयर। तो अब हमने क्या करना है, ये ज़ीरो बाय जो फोर है, ये हमारे पास जो ज़ीरो बाय फोर है वो हमारे पास क्या हो जाना है, ज़ीरो बन जाना है, क्योंकि ज़ीरो फोर से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब ज़ीरो एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाय टू होल स्केयर हो गया। तो स्टूडेंट अब देखिए, ये टू जो ऊपर स्केयर है इनकी, उधर जाकर अंडर रूट बनता है, ज़ीरो का अंडर रूट क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, तो इस टू को हम यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं ना, तो ये उधर गया, मतलब लिख देते हैं, चलो ये बन गया ज़ीरो का स्केयर, ज़ीरो स्केयर ज़ीरो ही बनना है, यहाँ पर क्या रह गया एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाय टू, ये रह गया। अब हमने क्या करना है, ये जो है इधर तो ज़ीरो ही है ना, इधर प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाने का है, माइनस का अंडर रूट थ्री बाय टू एक्स, ये बन गया। इसके लिए अब हमारे रूट यही हैं, दोनों रूट यही हैं, एक्स की दोनों वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का अंडर रूट थ्री बाय टू, एक्स की दूसरी वैल्यू भी क्या आ रही है, माइनस का अंडर रूट थ्री बाय टू। क्यों, क्योंकि हमने जब ये लिखा था इट इज़ रियल रूट,
तो इसके साथ साथ हमने एक और बात भी लिखी थी, मैंने आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। हमने वो बात लिखी थी कि इसके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल तो आएंगे, साथ साथ इक्वल भी आएंगे। इक्वल भी आएंगे ना, अगर जीरो के इक्वल आता। ये देखो, ये लिखा था हमने, लिखा था ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है, अगर जीरो के इक्वल आ गया तो उसका मतलब रूट उसके रियल तो आएंगे, साथ इक्वल भी आएंगे। तो ये देखो, इक्वल रूट आ गए ना दोनों, तो इसलिए सम हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। सम नंबर फोर में ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है कंप्लीट स्केयर मेथड से। तो सबसे पहले ये देखना होगा इसके जो रूट्स हैं वो रियल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि हमें बोले गया है सॉल्व ही तभी करने अगर इक्वल रियल रूट आ रहे हैं। तो बी स्केयर माइनस फोर ए सी करते हैं, बी स्केयर माइनस फोर ए सी, ए यहाँ पर क्या है टू, बी हमारे पास वन है, सी हमारे पास फोर है। बी स्केयर यानी वन स्केयर माइनस फोर को मल्टीप्लाई ए के साथ, टू को मल्टीप्लाई सी के साथ फोर, ये बन रहा है फोर इंटू फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू 32। ये माइनस का माइनस ऐसे, वन का स्केयर करेंगे तो वन ही रह जाना है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, वन से निकाल रहे हैं 32, तो मतलब बन रहा है माइनस का 31, जो क्या है जीरो से छोटा है। मतलब ये जिधर खुला हुआ होता है उधर बड़ा है। इसे ऐसे भी बोल लो कि माइनस का 31 जो है वो छोटा है ज़ीरो से, या फिर आप बोल सकते हैं कि ज़ीरो बड़ी है, क्योंकि मैंने बोला ना जो खुला है वो उधर बड़ा है, ज़ीरो बड़ी है माइनस 31 से। तो इसका मतलब क्या है, मैंने जब ने हमने वो लिखे थे रूल लिखे थे, एक बार फिर दिखाता हूँ। अगर जो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ज़ीरो से छोटी आती है तो उसके जो रूट हैं वो रियल रूट नहीं है। तो हमने इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व नहीं करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं इट इज़ नॉट रियल रूट्स। तो इसे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सब में बोला ही गया कि सॉल्व ही आपको तभी करना है जब इसके रूट्स जो हैं वो रियल हैं। तो इसलिए सम हमारा फर्स्ट जो है कंप्लीट हुआ।